अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इत्तेहादी और आप सभी का खैर मुकदम। कल बेलगाम शहर में जोरदार बारिश हुई, यहाँ की जोरदार बारिश के तहत यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्ट रोड पे किस तरह का पानी गंदगी यहाँ पर जमा है। कल से यहाँ के ताजिरों के फ़ोन आए, ताजिरों के कई सारे कंप्लेंट्स फरियाद दर्ज किए गए, लेकिन अभी जो है कॉरपोरेशन की जानिब से यहाँ आए हुए, ये देख सकते हैं पूरा नज़ारा किस तरह का यहाँ पर। बेलगाम शहर को स्मार्ट शहर स्मार्ट सिटी के फहरिस्त में काफ़ी ऊपर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट सिटी का बदसूरत चेहरा आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर बारिश का पानी जमा हुआ है। और ये हर साल की मुसीबत है यहाँ के ताजिरों, बारह उन्होंने फरियाद दर्ज की, बारह कंप्लेंट दर्ज की, लेकिन यहाँ कॉरपोरेशन की जानिब से हो या फिर स्मार्ट सिटी महकमा की जानिब से कुछ संजीदगी से किसी चीज़ को लेते हुए नज़र नहीं आ रहा। अगर वरना अगर ऐसा होता तो फिर ये हर साल, अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई लेकिन ये नज़ारा देख सकते हैं किस कदर। सर, बेलगाम शहर को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, काफ़ी तारीफ भी की जाती है, लेकिन हर साल फोर्ट रोड पर खासकर इस तरह का मंजर, इस तरह का माहौल, इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, इस पर आप क्या? देखो तो स्मार्ट सिटी का नज़ारा देखो, आप थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए, ये है हमारी बेलगाम स्मार्ट सिटी। गटर का मैनेजमेंट देखो, सेवेज का मैनेजमेंट देखो। अब सुबह से हम लोग खुद लगे पड़े हैं, हम लोग ने धो के साफ किया, जब जाके कंप्लेंट किया तब आए, कोई भी आने को तैयार नहीं। नहीं, ये हर साल का हर है, साल का लफड़ा है ये, हर साल। तो बारिश भी शुरू, ये स्टार्टिंग है, इसके बाद तो और इससे भी बदतर, खराब बदतर हो जाएगा, सब सब गटर जाम है। वो साइड देखिए, पूरा सब कुछ जाम है, मटन के टुकड़े, बकरे की मुंडी, ये सब हर एक चीज ऐसा गंदा गंदा यहाँ पे बांस मार रहा है पूरा पूरा पूरा। वहाँ पे गटर फूट के पूरा सीवेज बाहर आ गया, आप दिखाइए वो साइड थोड़ा, वो देखो कचरे का ढेर, ये साफ नहीं होने वाला। और कस्टमर कैसे आएगा? आप यहाँ पर फोर्ट रोड के जो ताजिरों का ये मसला है, बिजनेसमैन का, आप एक मुत्तहिद होकर एहतजाज या प्रोटेस्ट अगर कुछ आपके जहन में है, करके काम नहीं होने वाला, फिर क्या है? ये तो कॉर्पोरेशन का काम है, हम लोग खाली प्रोटेस्ट अगर वो नहीं कर रहे ना, फिर उसका क्या इलाज? प्रोटेस्ट क्या करने का इसमें, उनको खुद समझना चाहिए, हम लोग चुनाव में उनको ये करके क्यों देते हैं, इलेक्ट करके क्यों देते हैं? लेकिन ये काम है ना, आपकी मांग हर साल की है, हर साल यही नजारा है, तो आपके पास और कोई आगे चारा नहीं है? चारा कुछ नहीं, हम लोग खुद साफ करना पड़ता है, चारा क्या है? अगर कोई नहीं सुन रहा तो खुद करो, बस यही है ऑप्शन। यहाँ के ताजिरों का कहना है कि अगर कॉरपोरेशन नहीं करिए तो हमको खुद ही करना पड़ेगा, इस तरह की बात उन्होंने कही है। आओ तू भी कहाँ जा रहे? अब तू गाड़ी खोलने जा रहा? कल दोपहर में बारिश हुई तकरीबन असर के वक्त, असर से मगरिब के वक्त, लेकिन यहाँ पर ये मुस्तकिल पानी यहाँ पर जमा रहा और अब तक ये
पानी इसी तरह से खड़ा है और यहाँ पर रास्ता भी बंद कर दिया गया है। कल बारिश की वजह से तो ये पूरी सड़कें भरी हुई थी पानी से, लिहाजा अब सुबह तक आप देख सकते हैं कि किस कदर ये गंदगी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और काफ़ी देर के बाद सिटी कॉरपोरेशन बेलगाम की महकमा यहाँ पर मौजूद हैं, फिर वो अब काम शुरू किए हैं, लेकिन यहाँ के ताजिर काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी का एक तरह से बदसूरत चेहरा कह सकते हैं इसको। और बात कर, और ये हर साल की इस पानी की परेशानी से ये काफी परेशान है पानी के, देख सकते हैं कि किस कदर ये गंदगी यहाँ पर, ग्राहक तो आ ही नहीं सकता, लिहाजा बदबू भी फैली हुई है। ये बताओ कि हर साल की ये जो मुसीबत है? अरे हर साल की यही मुसीबत है, हर साल कंप्लेंट करते हैं, यही प्रॉब्लम रहता है। अभी तक तो कभी सॉल्व नहीं हुआ, और ये बार तो पानी बहुत फुल हो गया है, कल बारिश आए अभी तक पानी नहीं निकला, तो हमारा ये बस यही रिक्वेस्ट है कि इसका हल करा दे। नहीं, अगर हर साल ये मुसीबत है तो इसका हल कैसे, क्या है आप? सर, कॉरपोरेशन के लिए कुछ करना चाहिए ना, हर बार कॉरपोरेशन में कंप्लेंट करते हैं, अभी तक कुछ इसका यही नहीं हुआ, हल ही नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम से बेलगाम काफी मशहूर है, आप भी यहाँ पर ताजिर हैं, आपकी दुकान है? यही बाइक बैठ नहीं सकते कोई भी, वहाँ इतनी स्मेल आती है पानी में से। थोड़ा बारिश आया कि नहीं कि वहाँ तो फुल हो जाता है पूरा। कोई आता है तो थोड़ा साफ करते फिर निकल जाते हैं, कोई वहाँ भी आने वाला ही नहीं, कोई देखने वाला ही नहीं। बारिश आया कचरा पूरा, ऊपर का कचरा पूरा नीचे आता है और गटर पूरा ब्लॉक होकर छोड़ जाए। मतलब ये वक्ती तौर पर यहाँ पर मरम्मत की जाती है, फिर वही उसी तरह की प्रॉब्लम्स बरकरार हैं, मसाइल वही जगह पर हैं। बेलगाम शहर को स्मार्ट शहर कहा जाता है, कॉरपोरेशन की भी जानिब से काफ़ी सारी स्कीमें योजनाएं को कायम करने की बात कही जाती है, लेकिन तस्वीर अगर देखी जाए तो बेलगाम शहर कहीं पर भी स्मार्ट तो नज़र नहीं आ रहा, इस तरह का कहना यहाँ के ताजिरों का है। लिहाजा ये हमेशा के लिए यहाँ की जो ये मसला है, यहाँ का जो मसला है, जो बारिश अगर थोड़ी सी भी होती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है, लोगों के लिए आने जाने में दिक्कतें होती हैं, ग्राहक नहीं आता, बदबू फैली हुई रहती है, तमाम इस तरह के मसाइल यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ के ताजिर इससे जूझते नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कॉरपोरेशन हो या स्मार्ट सिटी महकमा इस पर संजीदगी से तवज्जो देते हुए इसको हल करने की कोशिश करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पानी अभी बारिश का नहीं है, ऊपर का वो लोगों को वापस चला था।